आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए नजर डालते हैं दिन की बड़ी खबरों पर। फरुखाबाद के शमसाबाद में चोरों ने परचून की दुकान को बनाया निशाना। बता दें कि बीती रात परचून की दुकान का ताला तोड़कर कुछ अज्ञात चोर हजारों की नकदी व हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शमसाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ललौर राजपुताना निवासी एक युवक के घर के बाहर के कमरे में परचून की दुकान है। रात में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। वहीं जब देर रात घर के लोगों को शंका हुई तो उन्होंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और रखा हुआ सामान बिखरा हुआ था। वहीं सूचना मिलते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। शोरगुल सुनकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा अज्ञात चोरों की संभावित स्थानों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। वहीं पीड़ित परचून विक्रेता के अनुसार दुकान में लगभग 3500 की नकदी व दुकान में रखा परचून का लगभग 10,000 का सामान चोरी कर लिया गया है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं पीड़ित द्वारा पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं दी गई है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस को सूचना देने से क्या लाभ होना है, जो होना था वो तो हो ही गया है। बता दें कि इसी गांव में रहने वाले एक और शख्स के घर चोरों ने चोरी करना चाही, लेकिन आहट लगने पर परिजनों द्वारा शोर मचाए जाने से चोर मौके से फरार हो गए। वही स्थानीय पुलिस से जानकारी की गई तो पुलिस का कहना था कि सूचना नहीं दी गई है, तहरीर मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।